For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. So, अब on stage मैं बुलाना चाहता हूँ जो बेचारा फंसा हुआ है, the lover, ladies and gentlemen, please put your hands together for Titu. कहाँ है टीटू? आइए टीटू जी, आइए। मैं दूर ही खड़ा रहूंगा आपसे, आपके पास जो खड़ा होता है वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। हेलो एवरीवन, थोड़ा सा और उधर आ जाएं। जी कैसा, मतलब ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि यार तुम खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, ना कपड़े खुद के डिसाइड हो पा रहे हैं, ना क्या खाना है वो डिसाइड हो पा रहा है, तुम टूथपेस्ट तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपना। यार मैं तो मस्त हूँ, मेरे को तो सारी जगह से पैम्परिंग मिल रही है, तो जो भी आ रहा है वो दोनों तरफ से आ रहा है और दोनों की तरफ से आ रहा है, मतलब खाना हो, हाँ, पानी हो, कुछ भी हो तो दोनों तरफ से ही आ रहा है। भैया आप देखना ये है ना कि 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी को एग्जैक्टली कौन डिसीजन जो है वो तुम्हारे लिए ले पाता है। सो अब आप तो बीच में खड़े हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जगह भरनी है, आप हड्डी बन चुके हैं, लड़ाई आपके लिए हो रही है। सो लेट्स कॉल ऑन स्टेज सोनू एंड स्वीटी। आ रहे भाई, पीछे से आ रहे। सोनू और स्वीटी कहाँ पे हैं? आ रहे पीछे। तो तेरी तो लग गई भाई। अरे तू इधर आ जा। टीटू वैसे बहुत सवाल तो बहुत सिंपल है, तुम दूध किसका चाहते हो? वही है, बिग रोमांस और एक रोमांस तो नहीं, मतलब किसके हाथ से तुम दूध पीना चाहते हो, सोनू के हाथ से या स्वीटी के हाथ से? मेरा दूध सफेद है यार, बेटर है, दूध सफेद ही होता है। एक काम करते हैं, तू रहने दे, मैं दूध के ग्लास ले लेता हूँ, या पीना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही पी ले भाई। पीना चाहता है? नहीं, दूध रख दे साइड में, क्योंकि मैं जानता था ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ, एक सिर्फ दोनों के ग्लास से, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इसमें। ओके, सो मैं जानता था कि ऐसा होगा, तो इसीलिए मैंने टीटू के साथ काफी वक्त जो है वो बिताया है पिछले एक हफ्ते में, उसको जानने की कोई। जी मैंने भी बिताया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं यहाँ साइड से कट जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस लड़ाई में अगर दो लोग हैं वो दो लोग ही काफी हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, टीटू ने मुझे ऑलरेडी अपनी बातों में इन सारे जवाब, मतलब ये सारे जवाब जो है वो दे दिए हैं, जिसको आंसर आता हो बता दे। है तो टीटू को खाना वेजिटेरियन पसंद है या नॉन वेजिटेरियन? ऑब्वियसली वेजिटेरियन, नॉट इवन अ क्वेश्चन। ये हंसा क्यों? क्योंकि सही आंसर है नॉन वेजिटेरियन। एक बार और कर दो। ओके, अब क्योंकि हमने खाने की बात करी ली है, तो बता दें कि उनको खाने में एग्जैक्टली कौन सी डिश ज्यादा पसंद है? स्पैगेटी आलू ओलियो। स्पैगेटी आलू ओलियो, वाह। अरे आलू वालिया नहीं, चिकन वालिया। बटर चिकन, बटर नान के साथ, और सिरका वाला क्या चाहिए, प्याज साइड में, फेवरेट डिश। स्वीटी अगेन करेक्ट आंसर। अच्छा चलो ये बता दो यार, ये तो मतलब पता ही होना चाहिए कि तुम लोग ट्रेलर में भी गाड़ी वाड़ी में निकले हो, ये पीछे बैठा हुआ है। टीटू का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? पटाया? नो, टस्कनी, जहाँ भी विराट और अनुष्का की शादी हुई ना, टस्कनी टू, I know it। पटाया, लड़कियाँ वहाँ पे ज़्यादा अनुष्का से। अच्छा ठीक है भाई, आज तुम वैसे बहुत सही लग रहे हो, amazing। तुम्हारे फैशन सेंस की बता देना चाहता हूँ, तो इसी बात पे तुम दोनों बता दो कि कपड़े टीटू को कौन से पसंद है? What does he like wearing the most often? Shirts, custom made shirts। ये custom made वैसे लग रही है। Of course। तुमने चूज की है? Of course। नंगा घूमना पसंद है इसको, घर पे पूरा नंगा, हवा आती है, हर जगह हवा लगती है। क्लोज, क्योंकि ये जवाब भी सोनू का ही सही है, बिकॉज सही आंसर था बॉक्सर्स। ओके ये अच्छा है, मतलब आई थिंक इस पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कौन सी हीरोइन टीटू की फेवरेट हीरोइन है? यार ये तो मुझे पता है, because this was the one thing we bonded on। इसकी भी सबसे फेवरेट हीरोइन है, मेरी भी सबसे फेवरेट हीरोइन है। तब्बू ना सनी लियोनी, सनी लियोनी फेवरेट हीरोइन है भाई की। करेक्ट आंसर। या अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसने मेरे को जो जो बताया उसके साथ मैंने इतने आराम से बात की थी, उसने अपने आवाज में आके सब कुछ बता दिया मुझे। अच्छा ये तो यार तुम तीनों के बीच की बात है, इसकी एक बुआ है, उनका नाम क्या, उनके कितने बच्चे हैं? ये तो ट्रिक सवाल है, मैं तो अभी अभी आई हूँ, हाउ वुड आई नो दिस? हाँ यही तो बात है, तू अभी अभी आई है, दोस्त बहुत पहले से आया हुआ है। चलो खत्म करते हैं यहाँ पे, मतलब सोनू जो है वो पूरी बाजी मार रहा है। ओके टीटू लास्ट क्वेश्चन, तेरे को याद होगा एक दिन नशे में धुत तूने ये बात जो है ऐसी खुद बोल दी थी, इट्स अ वेरी व्हाट डज टीटू लाइक इन बेड? टीटू को क्या पसंद है? ये भी तुम बता दो। हाँ जी सोनू, क्योंकि यहाँ से घर जाके भी सबको दोस्ती देगा ना, क्यों? अब जवाब दो, मैं तो अभी अभी आई हूँ। नहीं नहीं टीटू, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी? क्या है? पटाया? पटाया वो बोल भी नहीं पाता। टस्कनी। टस्कनी। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन बेबी। वेरी गुड। फेवरेट हीरोइन प्लीज? जो आपने बोला वही बेबी। याद भी नहीं है उसको। इसीलिए भाई, इसीलिए लड़कियां हमेशा जीतती हैं, जब भी दोस्ती और लड़की के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो लड़की बाजी ले जाती है। ऑफ कोर्स। रोमांस और रोमांस की फाइट 9 फरवरी को, जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, सोनू, कार्तिक आर्यन, टीटू, सनी सिंह एंड नुशरत भरूचा एज स्वीटी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड नाउ ऑन स्टेज मैं बुलाना चाहता हूं उस इंसान को जिसने हमारे जिंदगी के चिट्ठे जो है वो खोल के रख दिए हैं, वेदर इट वाज प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2 और नाउ ऑफ कोर्स सोनू के टीटू की स्वीटी। लेकिन बिफोर मैं उन्हें बुलाऊं, आई एम श्योर के आप लोगों के पास कुछ सवाल होंगे। ये सब कुछ यहाँ फट चुका है जो मेरे हाथ में जवाब थे, तो आपके सवाल, इनके जवाब, अप टू यू, शूट, बताइए। जी 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 जी, कहाँ से आ रहा सवाल? आलोक ही पूछेगा पहले, आलोक से। आलोक हमारा गणेश है, श्री गणेश आलोक से ही होता है। सुपर ट्रेलर, मजा आ गया आप तीनों को, बहुत बहुत थैंक यू। और सवाल मेरा एक है कि ये जितनी हरकतें आपसे कराई जाती हैं हर फिल्म, चाहे PKP 1 हो या 2 हो या ये हो, लव रंजन दिन ब दिन कितने निखरते जा रहे हैं आपसे ये सब करवाने के लिए? कोई उनका तो मानना है ये मेरे में तो नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट है, तो मैं क्या बोलूं, आई गेस आई एम लाइक दिस ओनली। एंड कार्तिक, जब आपको ये बताया जाता है कि अगला सीन ये होगा या रोमांस एंड रोमांस का जिक्र होगा, तो कुछ असल जिंदगी की यादें आती हैं? रियल जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं आपके साथ? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लवसर मिले, और जितना ब्रोमांस जो भी जिंदगी में मैं मेरे छूटा हुआ था वो इन्होंने मेरे को, मतलब इन फिल्में करके करवा के सब ब्रोमांस मेरे करवा दिए, ब्रोमांटिक हीरो बना दिया मुझे, तो आई एम रियली हैप्पी। और बहुत निखारते जा रहे हैं हम लोगों को वो, हमारे टैलेंट को, वो ऑलरेडी निखरे हुए हैं, सो आई एम रियली ग्लैड यार, मतलब उनके साथ, और वो भी बहुत ग्लैड है उनको हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो चौथी बार। नुसरत, ऐसा असल जिंदगी में कभी हुआ है इस तरीके के लड़के मिले हों या कुछ ऐसी? नहीं यार, मैंने तो ये PKP के वक्त भी कहा था, मेरी लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल सी सीधी सी प्यारी सी लड़की हूँ, ये सब नहीं होते कॉम्प्लिकेशंस, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, बट नो आई हैव लकीली हैड गुड रिलेशनशिप। तू ऐसे पूछ रहा कि तेरे साथ ऐसा हो चुका? नहीं, मेरे साथ तो होते रहता है, ये सब होते रहता है, कॉलेज टाइम से चल रही है। क्या बात है, ओके तो कोई भी रिलेट कर सकता है इन चीज़ों से। टीटू के रूप में सनी है, सनी आप बताएं कि जिस तरीके से आपके एक तरफ ब्रो है दूसरी तरफ रोमांस है, कैसे झेल रहे हैं फिल्म में? और मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए तो सही है कि जो भी मिलता है वो दोनों तरफ से ही मिलता है, तो पैम्परनेस है, तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। मतलब इसको गलत तरीके से मत लेना। ऑलराइट, वो क्वेश्चंस। जी हाँ, हीरोइन तो एक है और हीरो दो, तो असली हीरो कौन है फिल्म का? हीरोइन तो एक है। ये बताएंगे यार, आई थिंक हमारी सारी पिक्चरों के असली हीरो हमारे डायरेक्टर ही होते हैं, बिकॉज वो ही पता, उनको ही पता क्या करवाते हैं, कहाँ से आइडियाज आते हैं और हम क्या कर लेते हैं। बट थैंकफुली वी एंटरटेन ऑल एंड थैंकफुली आप लोगों को मजा आता है, तो हम तीनों ही हीरोज हैं, चारों ही आई गेस एट द एंड ऑफ द डे। डायरेक्टर जो है मैम झांक के देखिए, बुला लूं आपको वो क्या आ जाए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन द ओनली लव रंजन। मेरी आंख सूजी है, पहले मैं सोच रहा था चश्मा पहन के आऊं, फिर मुझे लगा सूजी हुई आंख चश्मा पहनने से तो बेटर ही है। सर इसको एयरपोर्ट समझ लेंगे हम। आपकी जो दोनों फिल्में हैं काफ़ी पसंद की गई हैं, तो इस फिल्म को लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा गैंग नहीं है, 3 लोग ही हैं। हाँ देखिए, मतलब उससे नंबर्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो भी फिल्म पसंद आई है लोगों को, वो इसलिए आई है क्योंकि उसमें मुद्दा कुछ ऐसा था जो जिससे लोग रिलेट कर पाते। तो ये भी एक नया मुद्दा है जो शायद किसी ने फिल्मों में पहले देखा नहीं है। हमने सास बहू की लड़ाई बहुत देखी है, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि जब हम बोलते थे तो पहले माना जाता था कि शादियां 2 परिवारों में होती हैं, लेकिन अगर आप सिटीज़ में अब देखें तो अब मैटर बदल गया है, शादियाँ 2 फ्रेंड सर्कल्स में होती हैं। तो जो बात पहले ये होती थी कि लड़की की माँ से पटेगी या नहीं पटेगी, अब ऐसा मुद्दा हो गया है कि लड़की की दोस्त से पटेगी नहीं पटेगी, या इवन अगर आप उल्टा भी रखें कि लड़के की मेरी दोस्तों से पटेगी नहीं पटेगी। तो रेलेवेंट इशू है, रेलेवेंट टॉपिक है। आजकल अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे तो सब ये कहीं ना कहीं झेलते हैं कि जो लड़का या लड़की उन्हें पसंद आ जाता है उसकी कई बार उनके फ्रेंड सर्कल से नहीं बनती है, और फिर उन्हें वो बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है। इतना खूबसूरत टाइटल कैसे सोचा आपने? मैं फ्रैंकली बताऊँ, टाइटल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। तो 3 लोग हैं, तो मुद्दा सारा यही है कि कौन किसका है। तो वहाँ से फिर मैंने बनाया कि सारी लड़ाई किस बात की है कि कौन किसका है। तो सोनू का टीटू, टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। Hi, Vaishali Chandrayo in the center. Here. Hi. From Alpha World. My question is to all the 3 men. Have you ever been into a situation where you have to choose? All 3, मैं मर्दी हूँ मैडम। You can answer it. अच्छा मैं साइड हट जाता हूँ। Say the team or Sonu Ke Titu Ki Sweety. Have you ever been in a situation? मर्दानी बहुत सवाल उठाओ यार अब। If I may complete. Have you ever been in a situation where you have to choose between bromance and romance? It's either your bro or your girlfriend. Are they going to be honest here? Let's see. सच बोलेंगे? सी डिपेंड्स, मतलब डिग्री टू अ सर्टेन डिग्री सबके साथ हुआ होगा, इन द सेंस मे बी सबके साथ उस डिग्री तक नहीं हुआ होगा जिस डिग्री तक आप फिल्म में देखेंगे, लेकिन ऐसी शामें सबकी लाइफ में आई होंगी ना जहां वो ये डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि ये शाम किसके साथ बितानी है, या किसका प्लान कैंसिल करना है, किसको बुरा लगवाना है, दोस्त के साथ दारू पीने जाना है या गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाना है। तो उतना तो सबकी ज़िंदगी में आया ही है, और क्या इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मतलब मैं रोने लग जाऊँगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी का तो क्या ही बताऊँ। मैंने दोस्तों के प्लान्स कैंसिल करवाए हैं। सो हेलो, मेरा सवाल कार्तिक जी से है। इफ़ यू आरती सक्सेना, एक सेकंड वो पहले इनका जवाब दे दें दोनों जो लड़के हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये सिचुएशन, कई बार हुई है। ऐसे कई बार होता है कि गर्लफ्रेंड को दोस्त पसंद नहीं आता, तो और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की जो लड़ाई होती है उसमें आप पिसते हो। तो बहुत बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है जिसको मैं नहीं पसंद था, जिसकी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं पसंद था। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आई है। एंड एक बार तो मतलब ब्रेकअप होते होते बचा है। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है मेरे लिए तो। एंड या बट बच गया हूँ, हर बार बचा हूँ। कार्तिक, तेरे लिए रिलेटेबल क्या है? जो कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है या टीटू का कैरेक्टर? दोनों कैरेक्टर, दोनों साइड पे रह चुका है, दोनों पे रह चुका हूँ, इधर भी उधर भी। हाँ टीटू, ये कन्फ्यूजन तो हमेशा से रही है। तो मेरा भी एक दोस्त है, रिसेंटली मेरी उसी से बात हो रही थी, वही बहुत परेशान था। तो वो पता लग जाता है, 100 मैसेजेस आ जाते हैं, काफ़ी लेक्चर देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट बाकी को किस्मत होती है कौन कहाँ जाता है। मेरा सवाल कार्तिक जी से कि आपने ज़्यादातर लड़कियों के अगेंस्ट बोला है ज़्यादा फिल्मों में, तो पर्सनल लाइफ में लड़कियाँ कितना सपोर्ट करती हैं आपको? बहुत फैंस है उसकी के। और हाँ जी बोले। मैम ये था कि मोनोलॉग जब सर ने करवाया था मेरे को प्यार का पंचनामा में, तो उसका एक चीज़ ये था कि हमने हमेशा सोचा था कि लड़कियां उस चीज़ को अगेंस्ट ले सकती हैं। कई बार एक छोटी सी माइन्यूट सी सिचुएशन थी तो लग रही थी, बट उसके कॉन्ट्रेरी मतलब काफ़ी इवेंट्स पे जब भी मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो लड़कियां सबसे पहले आके बोलती हैं कि वो मोनोलॉग एक बार सुना दो ना। तो वो सिचुएशन मतलब शायद से उन्होंने उल्टा समझा कि हम मोनोलॉग में कुछ और बोल रहे थे, वो आयरनी है उस चीज़ की। बट आई एम रियली हैप्पी कि वो चीज़ वर्क की है इवन विद द मैन एंड द वेमेन। तो वो दोनों सिचुएशन में सही रहा है। ये मेरा भाई है, और लड़कियां ये मेरा भाई है नहीं बोलती। एक्चुअली एक और भी चक्कर क्या है कि सबको लगता है कि जैसे पंचनामा में भी था तो लड़कियों के अगेंस्ट है। सी देयर इज अ होल जनरेशन आउट देयर व्हिच इज रेडी टू टेक ह्यूमर एंड यू नो दे डोंट माइंड इट। मतलब वो सबको सी वो जनरलाइजेशन की बात नहीं है। वो फिल्म में जो बोला जा रहा है वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो सारी लड़कियों के लिए, ये सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, हमने 3 कैरेक्टर दिखाए हैं उनके लिए बोला जा रहा है। एंड देयर इज ऑलवेज द यू नो अनदर साइड टू द होल स्टोरी ऑल्सो। जैसे पंचनामा में आपको याद होगा कि जब मोनोलॉग आया था उसके बाद एक लड़की ने एक मोनोलॉग कुछ 3-4 मिनट का रिकॉर्ड करके बोला था, राइट? तो वो बैंटर है, वो बैंटर हमेशा मजेदार ही होता है। और हमेशा मैं कार्तिक और नुसरत और सनी से लिटरली पिछले 5 दिन में 3री बार मिल रहा हूँ मैं इनसे, ठीक है? और सैटरडे से ये शुरुआत हुई है इस बात की। आप यकीन नहीं मानेंगी मैम, आपने जो सवाल पूछा है ना, और वो सही बोल रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो वो झूठ बोल रहा है, उससे सबसे ज़्यादा आके लड़कियां बोलती हैं कि मोनोलॉग जो है वो एक बार फिर से बोल के दिखाओ। और वो खुद परेशान हो गया। उसके ऊपर मैंने जोक भी मारा था कि जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन भी मरने से पहले लोगों की आखिरी विश होगी कि एक बार मोनोलॉग सुना के चले जा। मरने की बात मत कीजिए। अरे मैं मुहावरा बोल रहा हूँ, आप फिर सीरियसली ले रही हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि दोस्ती और प्यार मिले, तो दोस्ती ने प्यार से कहा कि मैं आपको खुश, मतलब दोनों लाइक प्यार को वैल्यू ज़्यादा है और दोस्ती को कम। तो दोस्ती ने कहा मैं खुशी देती हूँ और प्यार ने कहा मैं गम देती हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्यार? गुरुदत्त वाला सवाल हो गया ये तो। दोस्ती और प्यार आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। उसने बोला कि मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ मैं हूँ। हाँ। दोस्ती ने कहा मेरी क्या ज़रूरत है जहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि प्यार को कहा कि तुम जहाँ गम देती हो वहाँ मैं खुशी देता हूँ। यानी दोस्त हमेशा खुशी देता है। भाई ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो छोड़ देता हूँ। आई थिंक क्या है ना कि दोस्ती और प्यार दोनों की अपनी अपनी जगह है जिंदगी में। फर्क ये है कि मुझे लगता है प्यार थोड़ा सा एक्सट्रीम इमोशन है, दोस्ती में थोड़ा बैलेंस ज़्यादा होता है, राइट? जैसे कि आपने कहा प्यार में गम मिलता है, हाँ गम भी मिलता है, एक्सट्रीम खुशी भी मिलती है। दोस्ती थोड़ी स्टेबल होती है, खुशी लेकिन थोड़ी टाइम की होती है ना, प्यार में नहीं। वो टाइम की बात नहीं है, बात देखिए दोस्ती में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आपकी एक दोस्त, आपका कोई दोस्त होता है जो 3-4 साल आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है और फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, तो वो तो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। बस ये है कि आई थिंक दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं, right. तो वो एक चीज़ थोड़ा उसको स्टेबल रखती है। थैंक यू मैम। लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था आपने। यस मैम, बताइए। हाय, मैं जस्ट पूछना चाहती थी पूरी टीम से, जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट किया आपके फिल्म का, दैट वाज सो क्रिएटिव, वो कहाँ से आइडिया आया, कैसा एग्जीक्यूशन था? वो इनकी एक्चुअल लड़ाई से आया। क्या होता है, हम लोग जब भी प्रमोशन की बात करते हैं या जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है ना, कुछ सवाल हमेशा उठते हैं, ठीक है? आज तक हमेशा उठे हैं कि कौन बीच में खड़ा होगा, किसका नाम पहले बोला जाएगा, किसका नाम पहले आएगा, किसका दूध पिया जाएगा, किसका। मैंने सबसे पहले यही पूछा था सर, मैंने आपको पहले ही बोला था वो दूध वाला चीज ना यार रिक्रिएट नहीं करते हैं। पर हम में दोस्ती भी है प्यार भी है, तो होना ही होना है ना, लाइक तो दोस्ती और प्यार ने बात की तो गहरा हो गया। तो इसलिए उनकी जो लड़ाई थी हम लोगों ने उसी, और प्लस क्या था कि फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जिसमें एक्टर्स ना ऑलमोस्ट रो देते हैं ये अनाउंस करते हुए कि हाय मुझे ये पिक्चर मिल गई और मैं कितना खुश हूँ। आपने भी देखे होंगे कि मतलब जैसे ये फिल्म मिल गई तो पता नहीं कितना इमोशन। अच्छा, मैंने इन लोगों के चेहरे पे कभी अब मेरी फिल्म मिलने की कोई खुशी नहीं देखी, ठीक है? हमेशा जो है यही डिस्कशन, तो ये डिस्कशन हमेशा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये साइड तो सब दिखाते हैं, ये झूठी सी साइड की एक फिल्म की को मिलने की वजह से आदमी रो रहा है, आंसू बहा दिए कि मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे कमरे में बोला के बताया गया कि जो है मुझे पिक्चर दे दी, मुझे बाद में नाम बताना, ठीक है? मैच करते हैं लेकिन असलियत तो नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में जैसा आप लोगों का बैंटर दिख रहा है वो रियल लाइफ होता है या फिर? हाँ सॉरी, वो एक्टिंग में कोई कर भी नहीं सकता, इतने मतलब अच्छे एक्टर नहीं, हाँ, इतने अच्छे एक्टर नहीं है ये लोग। माइक ले लो भाई, पीछे तुम्हारे। ऑलराइट, एटलीस्ट कार्तिक, बिकॉज़ दिस इज योर 4th फिल्म विद, ही इज कंपैरेटिवली न्यू दैट वे। आर यू गाइस टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना, और हैव यू स्टार्टेड टेकिंग हिम येट? आई मीन हैव यू स्टार्टेड टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि यू आर प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ ऑल हिज फिल्म्स नाउ? Should we answer that, sir? Yeah, are we taking you for granted? मैं तो हमेशा से granted लिया उनको, तो पता नहीं. मैंने are you sure that you are going? No, are you going to take for a next film as well? Because I mean, you have made Akashvani as well, right? जहाँ पे hardcore and of course this is one time you guys are not romancing finally actually. Or the logic is that हमेशा ये बात होती है ना कि ये क्यों? मुझे जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों नहीं, उस दिन नहीं लूँगा. मतलब जब तक मुझे मेरी कहानियाँ इनके साथ कहने में मज़ा आ रहा है तब तक कोई वजह नहीं है कि मैं इनको कास्ट ना करूँ. सनी की भी मेरे साथ तीसरी फिल्म है अब, तो जब तक आपके पास वो एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करने में अच्छा लग रहा है और आपको मज़ा आ रहा है. जो वो ग्रांटेड वाली बात थी वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑफकोर्स आई एम द वन हु इज़ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. ओके, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में. Also one thing in the trailer, I mean it's ironical because you know हम लोग अक्सर जब एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं when we meet someone who's actually extra nice, we have a hard time believing कि is the person actually so nice or is it just a play? यहाँ पे we should be bad then basically. No, it's sometimes because in the age that we live in, we actually find it hard when you actually find genuinely a nice guy or a nice person, you know, basically a nice girl. It kinds of which ज़्यादा इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती जो सवाल होते हैं ना. I mean, do you also play on that? I mean, what's your take on? But आप ढूँढना चाहते हो अच्छा इंसान. You're wanting a nice girl and a nice boy. When they're nice, you don't want to believe it. So what do you do? Cynicism ना. हम cynical होते हैं. क्या कर सकते हैं? सीरियस हो गए थोड़े. हाँ. नो मैं गुरुदत्त जोन में चला गया. नहीं एक्चुअली. पता है कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, तो सवाल दिमाग में कुछ और था, जबान पे आता है तो कुछ और ही बन जाता है यार. मैं डेविड धवन बनने चला था, गुरुधवन मेरा प्रॉब्लम हो गया. सुन, तेरे को मैं एक और मौका दूंगा, तू सोच ले फिर से. आई नो हर कोई लव रंजन नहीं बन पाता ना, क्या करें. ओके, बिफोर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द पीपल हु हैव मेड दिस फिल्म पॉसिबल. दैट जो आप देख रहे हैं वो वैसा लग रहा है. सो द प्रोड्यूसर्स ऑफ कोर्स मिस्टर भूषण कुमार, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन स्टेज along with मिस्टर अंकुर गर्ग.